सबसे पहले रमन, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस ने सत्याग्रह का आह्वान किया है और राजघाट की तरफ रुख किया है कई बड़े नेताओं ने। तो क्या हलचल, क्या एक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि ये संकल्प सत्याग्रह है और आप तस्वीरों में देखिए कि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम ये मंच पर मौजूद हैं और ये संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इस संकल्प सत्याग्रह के आयोजन को ध्यान में रखते हुए जो कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाते हुए, राहुल गांधी ने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य इसलिए ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से डरे हुए थे कि संसद में उनका अगला भाषण भी अडानी मामले पर होने वाला था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश इकाइयों को भेजे पत्र में कहा कि न्याय की इस लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है, लाखों कांग्रेसी और करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। हम अपने नेता और उनकी निडर लड़ाई के समर्थन में सत्याग्रह करेंगे और यही सत्याग्रह आज पूरे देश में इसका आयोजन किया गया है, राज्य मुख्यालयों में इसका आयोजन किया गया है, जिला मुख्यालयों में आयोजन किया गया है। राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि उनका अगला भाषण अडानी के मामले पर होने वाला था, इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। लगातार उनके पास इस बात को लेकर ऑप्शन था कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होती, उनको 2 साल की सजा नहीं होती, उनको 15,000 रुपए का जुर्माना नहीं होता, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब इस मामले पर पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल के साथ एकजुट होना दिखना चाहती है, एकजुट दिखना चाहती है और जिस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है पूरे देश भर में इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, पूरे देश में इसका इस बात को लेकर आंदोलन किया जाएगा और ध्यान में रखते हुए ये कोशिश ये की जा रही है कि तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें। प्रियंका गांधी आप देखिए कि यहाँ मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई में वो राहुल गांधी को अकेले नहीं छोड़ेंगे, राहुल गांधी के साथ हमेशा दिखते रहेंगे। साफ तौर से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राजघाट पहुंचे हुए हैं और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की इस लड़ाई में हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। रमन, ये माने कि जिस तरह से कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कांग्रेस इसी तरह से एकजुट, क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आज सत्याग्रह के जरिए? बिल्कुल, आज के सत्याग्रह के जरिए यही कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, आम जनता की लड़ाई है और आम जनता की इस लड़ाई की अगुवाई राहुल गांधी करने को तैयार हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद तमाम विपक्षी पार्टी खासतौर पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का समर्थन उन्हें मिला उससे पार्टी गदगद है, पार्टी के नेता गदगद हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लगा है और इस मुद्दे को बुझाने में कोई कोर कसर वो बाकी नहीं रखेंगे। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।